गाइज आज मैंने पूरे बोर्ड को क्वेश्चन से भर दिया है और अपने सॉल्यूशन के लिए इतना सा स्पेस रखा है। दैट मींस आज हम ट्राई करेंगे कि सारे क्वेश्चन को मेंटली सोल्व कर ले। तो मैं बताऊंगा कि क्वेश्चन को मेंटली सोल्व कैसे करते हैं। वैसे भी ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री में तो क्वेश्चन कैसे सोल्व होता है, डायग्राम में ही सोल्व हो जाता है क्वेश्चन। बट फिर बात ये आ जाती है कि क्लास मेरे लिए तो है नहीं, आप लोगों के लिए, तो पूरा कंसेप्ट भी बताऊंगा, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, थोड़ा स्पेस बनाना चालू करते हैं। आपको पता है स्पेस कैसे बनाते हैं, ठीक है भाई। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन यही पकड़ता हूँ, 4-2 पैरेलल लाइंस। उससे पहले काम की बात, मैंने इन क्वेश्चन को मॉर्निंग में ही डाल दिया था 8 बजे। आप लोगों ने अगर देखा हो, 8 से पहले पहले ही डालने का बोला हुआ है मैंने। आपने स्क्रीनशॉट लेके सोल्व कर लिया होगा, नहीं कराया तो कल से ट्राई करना कि मेरे क्लास में कराने से पहले आप लोग क्वेश्चन सोल्व करके आओ, जिससे कि आपको अपने डाउट क्लियर हो जाए, ठीक है। चलो जी, 4-2 पैरेलल लाइन सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन। ये तो प्रॉपर्टी होती है यार कि इनका सम 180 होता है। कैसे, कि मान लीजिए दो पैरेलल लाइन है, एक ट्रांसवर्सल कट कर रही है। अब ट्रांसवर्सल क्या होती है, ट्रांसवर्सल वो लाइन होती है जो दो अलग अलग लाइनों को अलग अलग पॉइंट पे कट करे। तो आपको पता है ये वाली प्रॉपर्टी कि ये क्या हो गए, ये हो गए पेयर, पेयर है दो की बात कर रहे हैं, ऑफ इंटीरियर, ये इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल के एक ही साइड में, और हम जानते हैं इनका सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो प्रॉपर्टी है यार, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, 180 डिग्री। ये लो जी बन गया स्पेस। तो फॉर टू पैरेलल लाइन सम ऑफ या पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल, इनका सम क्या हो जाता है, सेम साइड वालों का सम होता है 180 डिग्री। लो जी थोड़ा स्पेस बन गया, बट मैं मिसयूज नहीं करूँगा स्पेस का यार। ये नहीं कि स्पेस मिल गया तो फिर भर भर कर रफ वर्क करेंगे और कैलकुलेशन करेंगे, नहीं। मैथ्स में जितना कम रफ वर्क उतने ही अच्छे आपके मार्क्स, और आप उतने ही अच्छे मैथ्स में, ठीक है। चलो और स्पेस बनाते हैं। लो जी ये तो वैसे हो जाएगा, बच्चों वाला क्वेश्चन है यार। इसमें दिया हुआ 6, तब ये मत कहना सर कि सीक्वेंस से चलो यार। चलो ठीक है सीक्वेंस से ट्राई करते हैं, पर क्यों करें सीक्वेंस से ट्राई, हमें तो बोर्ड का स्पेस बनाना, खेलते हुए चलना है, खेल रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6, ए माइनस बी 80 डिग्री है, आपको एक लाइन है, इस लाइन के ऊपर एक रे जा रही है, उसमें ये एंगल ए है, ये वाला एंगल बी है। तो हमें एक चीज़ पता है क्या, कि इन ए और बी का सम 180 डिग्री होगा। क्यों होगा इनका सम 180 डिग्री, क्योंकि लीनियर पेयर है, एक लाइन के ऊपर बनने वाले दो एंगल लीनियर पेयर हो जाते हैं, ठीक है जी। अब ऑप्शन से देखते हैं, ए माइनस बी 80 डिग्री। अब इसमें एक बड़ी ट्रिक है, मतलब वो ट्रिक नहीं समझा रहा हूँ, समझाने वाली ऑप्शन में ट्रिक है, गलती मत कर देना। क्या लॉजिक है इसके अंदर, आपने ध्यान से देखो इसके अंदर, एक ऑप्शन है 130.50 और एक है 50.130। मतलब कुछ बच्चे क्या करते हैं, दो आंसर निकालते हैं, ए की वैल्यू निकाली, बी की वैल्यू निकाली, और ये नहीं देखते कि यार रेस्पेक्टिव वैल्यू लिखनी है। तो आपसे पहले अगर ए पूछा है फिर बी पूछा है, तो पहले ए की वैल्यू बताओ फिर बी की वैल्यू बताओ, आप समझ गए बात को। ऐसा मत कर देना ए की वैल्यू निकल के आगे बी की निकल गई, और हमने ऑर्डर पर ध्यान नहीं दिया और ऑप्शन दिखा और ऑप्शन गलत टिक कर दिया, गलत हो जाएगा अभी। तो देखो इसने बोला ए और बी का डिफरेंस 80 है, तो मैं तो ऑप्शन ही देख लूँगा, ये ए है ये बी है, इनका डिफरेंस 80, सिर्फ यहाँ पे डिफरेंस 80 आ रहा है, ये तो गलत ही है, क्योंकि ए बड़ा है यहाँ पे, क्योंकि ए माइनस बी अगर 80 है तो ऑब्वियसली ए ग्रेटर है, ठीक है। तो ऑप्शन से करना सिखा रहा हूँ, टेंशन मत लो, पूरा कंसेप्ट बताऊँगा। ए माइनस बी 80 डिग्री है, ए में से बी को सब्ट्रैक्ट करने पे पॉजिटिव वैल्यू आ रही, मतलब ए बड़ा है, तो ये ऑप्शन ही गलत हो गया, ये ऑप्शन गलत हो गया, ये ऑप्शन गलत हो गया, देखो कितना आसान हो रहा है, ठीक है। दूसरी बात कह रहा है कि डिफरेंस 80 है, तो डिफरेंस 80 एक तो यहाँ था और एक यहाँ था, ये तो डिफरेंस ही 80 नहीं है, तो ऑप्शन वैसे गलत दे रखा है, मतलब फालतू में ऑप्शन बना रखा है यार, मैं बनाता तो ऐसे ऑप्शन नहीं बनाता, ठीक है। और ये भी देखो डिफरेंस 80 नहीं है, तो यार जब आपने दे दिया डिफरेंस 80 तो ऑप्शन गलत ऐसे क्यों दे रहे हो, कम से कम ऐसे दो ना बच्चे कन्फ्यूज हों। इन दोनों की बात करते हैं, तो आप खुद बताओ ए माइनस बी, यानी ये वाला ऑप्शन आएगा। अब करते हैं पूरे मेथड के साथ में, क्या है कंडीशन कि आपको गिवन है ए माइनस बी 80 डिग्री, और यहाँ से हमें पता लगा a प्लस बी है 180 डिग्री। इन दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं, तो ऐड करने का तरीका क्या होता है, LHS वाला पार्ट LHS से ऐड होता है और RHS वाला पार्ट RHS से ऐड होगा। जब इन दोनों को ऐड करोगे तो a और a मिलकर तो 2a बन जाएगा, और माइनस बी प्लस बी कैंसिल आउट हो जाएंगे, और ये हो जाएगा आपका 260, और यहाँ से आपकी a की वैल्यू आ गई 2 डिवाइड में चला जाएगा 130। जब a 130 निकल के आ गया तो 130 में क्या ऐड करूँ कि 180 बन जाए, 50 ऐड कर दो, तो वैसे भी अपना ऑप्शन ही करेक्ट है, ठीक है जी। तो आई होप आपको ये वाली बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन भी अपना हो गया, देखो बोर्ड पे स्पेस बनना चालू हो गया है, ठीक है जी, सही है। चलें आगे, आगे देखते हैं, 11th क्वेश्चन पकड़ते हैं। 11th क्वेश्चन का अंदर क्या है एक्चुअल में, देखो वही बात है कि वर्कशीट जहाँ से ली गई है वहाँ पे भी कुछ ना कुछ होता है ना, प्रिंटिंग मिस्टेक होती थी, हमें एक प्रिंटिंग मिस्टेक है एक्चुअल में, 150 नहीं है,
ये है 105। अब मैंने कैसे पकड़ा है 105 है, जब मैं इसको सोल्व कर रहा था तो ये ऑप्शन बैठ ही नहीं रहा था यार। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से, हमें क्या बोला हुआ है कि n माइनस एक्स 3 डिग्री है, यानी इस n और इस x एंगल के बीच में डिफरेंस है 3 डिग्री। ओके, और आपको n और x की वैल्यू बतानी है। मैं ज़रा ऑप्शन पे ध्यान दिया, मैंने ऑप्शन पे ध्यान दिया, 126, 129, इन दोनों का डिफरेंस 3 डिग्री आ रहा है। 125 एंड 28 कहाँ से डिफरेंस 3 डिग्री आ रहा है यार, क्योंकि हमें पता है n और x का डिफरेंस 3 डिग्री है, दोनों एंगल जो वैल्यू आपकी निकल गया है n और x, उनमें डिफरेंस 3 डिग्री होना चाहिए, तो ये ऑप्शन वैसे ही गलत हो गया। 150, 95 कहाँ डिफरेंस 3 डिग्री है यार, कहाँ डिफरेंस 3 डिग्री, 135, 65, मतलब ऐसे ऑप्शन दे रखे हैं, मतलब मजाक कर दिया, मतलब कि आपको पूरा कंसेप्ट भी नहीं पता, आपको छोटी सी बात पकड़ में आ रही है ना। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का यही लॉजिक होता है यार, कि कुछ क्वेश्चन होते हैं जो ऑप्शन से ही क्लियर हो जाते हैं अपने, तो इसी से पता लग गया 126 और 129 आएगा। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, अगर पूरा कंसेप्ट समझाना हो तो कंसेप्ट समझ लो। हमें पता है कि किसी भी पॉइंट के अराउंड जो एंगल होता है, इनका सम 360 डिग्री होता है, यानी कि अगर मैं इन तीनों को ऐड करूं 360 डिग्री बनेगा। इसका मतलब n प्लस एक्स प्लस 105 इक्वल टू 360 डिग्री, कंसेप्ट चल रहा है अपना। यहां से n प्लस x की वैल्यू होगी, 360 में से 105 सब्ट्रैक्ट करोगे, देखो कितना डिटेल में बता रहा हूँ मैं, 10 में से 5 गया तो 5, ये 5 में से 0 गया तो 5, और 3 में से 1 गया तो 2। n प्लस x की वैल्यू 255 है और n माइनस x की वैल्यू हमें गिवन है क्या 3 डिग्री। इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो तो n प्लस n तो मिलके 2n हो जाएगा, और x और माइनस x कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये हो जाएगा 258, और यहाँ से n की वैल्यू हो जाएगी 1, 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, 2 और 9, तो n हो गया 129 और x अब ऑटोमेटिकली 126 हो गया। सॉल्व कर लो इसको, 129 की वैल्यू को आप इसमें उठा के रख लो या इसमें उठा के रख लो। ठीक है, अब आप कहोगे सर पिछले क्वेश्चन में तो आपने कहा था कि ऑर्डर मैटर करता है, अगर आपसे n और x पूछा है तो आप पहले n की वैल्यू लिखो और फिर x की वैल्यू, लेकिन यहाँ तो ऑप्शन में ऐसा नहीं है। तो भाई बात वो है ना, वो नहीं मान रहा इस क्वेश्चन के अंदर। हाँ, इस क्वेश्चन में अगर आपको दूसरा ऑप्शन कहीं नज़र आता 129 और 126 तो हम वो ही लगाते ऑर्डर के अकॉर्डिंग, लेकिन इसने यहाँ पे ऑर्डर पे इंपॉर्टेंस नहीं दी है। तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर वैसा ऑप्शन ही नहीं है कि जहाँ पे आपको ऑर्डर को लेकर कन्फ्यूजन हो, तो जो दिख रहा है वही है, और अगर दोनों तरीके से दे रखा है ऑर्डर इंटरचेंज करके भी, तो वही लगाना है, पहले वाला पहले के लिए, दूसरे वाला दूसरे के लिए। ठीक है, चलो जी भाई, अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट वमेंट कर दिया करो, ताकि मुझे पता लगे कौन कौन बच्चा सीरियसली पढ़ रहा है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं, और थोड़ा स्पेस बना है, चलो 12th वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, मज़ेदार क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला है, टू पैरेलल लाइन है और एक ट्रांसवर्सल कट कर रही है इसको। ठीक है, या टू पैरेलल लाइन मत मानो, दो लाइन है और एक ट्रांसवर्सल कट कर रही है, इतना ही मान लो, जरूरी नहीं पैरेलल हो। ठीक है, एक लाइन पी है, एक लाइन क्यू है, ट्रांसवर्सल कट कर रही है। फिर हमें दिया हुआ है कि एंगल 1 और एंगल 2 का जो रेशियो है 3:2 है, थोड़ा साफ सुथरा लिखने के लिए बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ, एंगल 1 और एंगल 2 का रेशियो है 3:2, और आपसे एंगल 3 और एंगल 4 पूछ लिया। और इसमें भी ध्यान दो, 108, 72, 72, 108, इसका मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, इसका मतलब ये हो रहा है यहाँ पे कि आपको ऑर्डर इम्पोर्टेंट रहेगा, पहले वाला पहले के लिए, दूसरे वाला दूसरे के लिए। अच्छा जी, अब मैं शॉर्ट ट्रिक से बताता हूँ, आप मुझे एक चीज़ बताओ, ये 1 एंगल 3 के इक्वल है या नहीं है, क्यों है, वर्टिकली अपोजिट, और 2 और 4 इक्वल हैं कि नहीं है, बोले है जी बिल्कुल वर्टिकली अपोजिट। इसका मतलब मैं एंगल 1 की जगह पे, मैं शॉर्टकट सिखा रहा हूँ, एंगल 1 की जगह पे एंगल 3 लिख सकता हूँ क्योंकि दोनों सेम है, और एंगल 2 की जगह पे एंगल 4 लिख सकते हैं, दोनों सेम है, और हमें पता है 1 और 2 का रेशियो जो था वो 3:2 था, तो इससे हमें एक बात पता लग गई कि एक्चुअल में 3 और 4 का रेशियो भी 3:2 होने वाला है। क्यों, क्योंकि 1 और 2 का रेशियो 3:2, और मैंने बोला अरे भाई 1 तो कुछ भी नहीं है, 1 तो 3 के इक्वल है, 2 कुछ भी नहीं, 2 4 के इक्वल है, इसका मतलब मुझे एंगल 3 और एंगल 4 में 3:2 नज़र आएगा। इसका मतलब एंगल 3 तो बड़े वाला होगा और एंगल 4 छोटे वाला होगा, एंगल 3 बड़े वाला होगा, तो इस बात से आपके दो ऑप्शन, तीन ऑप्शन सारे गलत हो गए। कैसे, एंगल 3 बड़ा है और आपसे पहले 3 वाला पूछा है, तो पहले बड़े और बाद में छोटा, क्या यहाँ पे 75, 105 में क्या ये बड़ा है ये छोटा है, नहीं ये ऑप्शन गलत। 85 और 95 में क्या ये बड़ा है क्या छोटा है, नहीं ये गलत। 72, 108 में क्या पहले वाला बड़ा बाद वाला छोटा है, नहीं ये गलत। बचता ही ये है आपके पास में,
देखो कितना इजीली हो रहा है ये चीज़। ठीक है, फिर भी अगर आपको पूरे कंसेप्ट से करना है तो पूरे कंसेप्ट से कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कंसेप्ट क्या बनेगा कि एंगल वन और एंगल टू का 3:2 है, आपको पता है इसको 3x और इसको 2x माना जाता है। फिर हमें पता है कि वन और टू मिलकर एक लीनियर पेयर बना रहे हैं, इसका मतलब एंगल वन प्लस एंगल टू की वैल्यू होगी 180 डिग्री, और एंगल वन की जगह पे मैं 3x लिख सकता हूँ, एंगल टू की जगह पे मैंने 2x लिख दिया, ये हो गया आपका 180 डिग्री, ये हो गया आपका 5x, 5x इक्वल टू 180 डिग्री, और x इक्वल टू आ गया 36, डिवाइड कर लो 5 से। जब x 36 है तो 1 की वैल्यू होगी 3 × 36, दैट इज 108, और एंगल 2 की वैल्यू होगी 2 × 36, मतलब 72। इसका मतलब ये एक्चुअल में एंगल 1 है 108 डिग्री और एंगल 2 है 72 डिग्री, तो एंगल 3 वाला जो है वो 108 के इक्वल होगा वर्टिकली अपोजिट, और 4 किसके इक्वल होगा 72, इससे पता लग रहा है ये वाली चीज़। ठीक है, तो क्वेश्चन करने के कई तरीके हैं, आप शॉर्टकट से करो, लॉन्ग मेथड से करो, कैसे भी करो, समझ में आना। देखो स्पेस की नीड ही नहीं हो रही, जब हम डायरेक्टली सॉल्व कर रहे हैं तो वहाँ तो स्पेस की नीड ही नहीं है, तो यही है, रफ वर्क को मिनिमम कर दो, मैथ्स में मार्क्स आपके मैक्सिमम आ जाएंगे। ठीक है, और अब मेरे से पूछो कमेंट में, सर रफ वर्क मिनिमम कैसे करते हैं, क्या चीज़ है, तो मैं बिल्कुल बताऊंगा आपको, क्लास के अंदर पूछोगे तो मैं क्यों बताऊं। ठीक है भाई, चलो एक काम करते हैं, अब करते हैं 10th वाला क्वेश्चन। 10th वाले क्वेश्चन के अंदर एक लॉजिकली प्रॉब्लम है, और वो लॉजिकली प्रॉब्लम कैसी आ रही है, वो ऐसी प्रॉब्लम है कि मोस्टली बच्चे भी गलती कर रहे, इसलिए मैंने डायग्राम भी गलत ही बनाया, प्रिंटिंग मिस्टेक थी वहाँ पे, लेकिन मैंने डायग्राम गलत बनाया ताकि मैं आपको समझाऊँ यहाँ पे गलती क्या हो रही है, और बच्चे भी मोस्टली ये गलती करके आते हैं। तो देखो 10th क्वेश्चन में क्या है, एक्चुअली में आपको ऐसे दिया हुआ है और फिर आपको एक लाइन बोली हुई है, क्या बी इज मोर देन 1/3 ऑफ अ राइट एंगल देन ए। देखो लैंग्वेज से इक्वेशन बनाना बड़ा आसान होता है, जैसे जैसे लिख रखा है वैसे वैसे लिख दो। बी लिख दिया मैंने, बी इज, मैथ्स में इज का मतलब होता है इज इक्वल टू, इज एम आर वॉज वर विल शैल, जो भी होने वाला सबका मतलब क्या होता है, इक्वल टू। तो बी इज इक्वल टू मोर का मतलब क्या होता है, प्लस, उधर लिखेंगे इधर मत कर देना प्लस, क्योंकि हम इक्वल के उधर जा चुके हैं। बी था इज था, इज इक्वल टू लगाया, अब जो भी काम होगा उधर होगा, मोर मतलब प्लस, कितना मोर, 1/3 ऑफ राइट एंगल किसी चीज़ से ज़्यादा है, मोर है, कितना, 1/3 ऑफ राइट एंगल देन ए, किससे ज़्यादा है, ए से। इससे हमें एक बात पता लगी कि बी की वैल्यू है ए प्लस 30, यानी ए जितना भी होगा बी में 30 ऐड कर दो, बी बड़ा होगा कि ए बड़ा होगा, बोले सर ए छोटा होगा, ए में 30 ऐड करने पर बी बनता है, मेरी एज में 30 ऐड करने पर मेरे पापा की एज बनती है, तो पापा बड़े हो गए ना। ठीक है, इसका मतलब बी ग्रेटर है, तो यहाँ से हमें एक बात पता लगी बी ग्रेटर है, तो ऐसा डायग्राम थोड़ी बनेगा यार, इसलिए डायग्राम बनाओ तो ऐसा बनाओ बी ग्रेटर लगे तो सही कम से कम, अब लग रहा है बी ग्रेटर। ठीक है, तो ये मिस्टेक आप लोग भी करते हो पता है मुझे, इसलिए मैंने डायग्राम गलत बना के अब सही समझा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ से मुझे बी की वैल्यू ये पता लग गई, और हमें एक बात पता है कि दोनों क्या हैं, लीनियर पेयर, तो हमें एक बात भी पता है कि a प्लस बी 180 है। अब देखो कई तरीके हैं सॉल्व करने के, हमें b की वैल्यू क्या पता लगी, a प्लस 30, तो एक काम करो b की वैल्यू को उठा के यहाँ रख दो, तो a तो a ही रहेगा, और b की जगह मैंने रख दिया a प्लस 30 इक्वल टू 180, a प्लस a मिल के 2a बन गया, 180 में 30 गया उधर जाके तो 150, और a की वैल्यू हो गई आपकी 75। जब a 75 निकल गया तो b क्या है, 75 यानी a प्लस 30, 70 30 100 105। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आप देख लो अब इस चीज़ को, फिर वही वाली बात आ जाती है, इस क्वेश्चन के ऑप्शन जो दे रखे 95 85 105 75 60 120 65 150, मतलब यहाँ पे 105 75 है, एक बार ही है 75 105 नहीं, तो ऑर्डर का कोई इंपॉर्टेंस नहीं होगी। ठीक है, तो आप आराम से बता सकते हो कि हाँ भाई ये वाला ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, यहाँ भी गलती कर रखी, एक तरह से वही मान सकते हैं कि ए को बड़ा ज्यूम कर लिया डायग्राम के अकॉर्डिंग, लेकिन इन्फॉर्मेशन कुछ और दे रखी है। ठीक है, तो ये चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन अपन को तो सही समझना है, कंसेप्ट को सॉलिड रखो, क्वेश्चन की मिस्टेक भी निकालना सीख जाओगे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अरे भाई मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा है मुझे ज़रूर कमेंट में लिख के बता दिया करो, पढ़ते हो पहली बात तो पढ़ा करो, ज़रूरी है पढ़ना, पढ़ते हो समझ में आ रहा है तो टीचर को बिल्कुल बताना चाहिए आपको। ठीक है,
कि हाँ भाई आ रहा है सर या नहीं आ रहा सर, जो भी है। नाइन्थ क्वेश्चन कर लेते हैं। चलो मैंने ये वाला बॉक्स ओपन कर दिया, ठीक है, बॉक्स को ओपन कर दिया, होता है ना कि खुल जा सिम सिम, तो डब्बे में बंद करके लेके आया सारे क्वेश्चन, मस्त मस्त। आगे चलो, आपको एंगल निकालना है एक्स वाई क्यू, नज़र डाली एक्स वाई क्यू कौन सा है, एक्स वाई क्यू मतलब मुझे ये एंगल निकाल के बताना है पूरा, ओके। मतलब मुझे ए प्लस 64 दोनों को ऐड करोगे भाई, इन दोनों का मतलब क्या है, ये ए रुपीज़ कोई ले गया आपसे, 64 रुपीज़ कोई ले गया आपसे, अब दोनों को ऐड करो क्योंकि आपको पूरा बताना है। जब पूरा बताना है, देखो क्वेश्चन सोचने का तरीका बता रहा हूँ, पूरा बताना है मतलब मुझे जैसे ही ए की वैल्यू पता लगी मैं ए में 64 ऐड कर दूंगा तो क्या मुझे पूरा एंगल मिल जाएगा, मिल जाएगा। मतलब मेरा टास्क ये आ गया, मुझे ए फाइंड करना है, ओके जी। अब ए फाइंड कैसे होगा, तो अब ध्यान से देखो इस चीज़ को कैसे, कि ये जो लाइन है ना एक्स वाई, एक्स वाई को ही आगे एक्सटेंड किया गया है, क्या किया गया इसको, एक्स वाई को ही आगे एक्सटेंड किया गया है। तो जब एक्स वाई को एक्सटेंड किया गया है और बाद में बोल दिया गया कि भाई ये वाली चीज़ है, तो आप एक बात बताओ ये एक लाइन हुई कि नहीं हुई, तो जब ये एक लाइन हुई तो ये एक लीनियर पेयर बना कि नहीं बना, बिल्कुल बनेगा, समझ रहे हो बात को क्या बोल रहा हूँ मैं, ये है और मैं बोल रहा हूँ ये एक लाइन है, तो क्या ये 180 डिग्री होंगे या नहीं होंगे तीनों का सम, बिल्कुल होगा। और यहाँ पे तीनों का मतलब क्या है, 64 ए और ए, तो इसका मतलब ए प्लस 64 मिल के बन गया 180, यहाँ से 2a आ गया आपका 180 माइनस 64, तो 2a आ गया आपका, अगर 180 में 60 रुपीज़ कोई ले जाए तो 120 और 4 रुपये और ले गया तो 116, और यहाँ से a की वैल्यू 2 डिवाइड में जाएगा 25 जा 10 28 जा, तो a की वैल्यू होगी 58, a की वैल्यू क्या होगी आपकी 58, और आपसे जो पूछा है वो क्या है, एंगल एक्स वाई क्यू इक्वल टू दिस 64 प्लस ए, ये तो मैं पहले बता चुका आपको, तो ये हो जाएगा आपका 58 प्लस 64, लिख के बताना पड़ रहा है आप लोगों के लिए वरना मैं तो कर लेता। देखो ये 60 और 50 110, 8 और 4 12 120 और 122, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ठीक है। आगे समझ में, आगे चलते हैं भाई, अगर पसंद आ रहा हो तो अपने दोस्तों दोस्तों को भी शेयर कर दिया करो वीडियो, ठीक है, जितने ज़्यादा लोग पढ़ें अच्छी बात है मेरे लिए तो है। चलो जी अब इस क्वेश्चन को अनबॉक्स करते हैं, क्या है क्वेश्चन, ये एंगल 90 डिग्री है, मेंशन नहीं है, अगर ये सिंबल लग गया, देखो एंगल ये होता है, अगर ऐसे लग रहा है तो आप नहीं बोल सकते 90 है, लेकिन ये ही अगर ऐसे बना दिया जाए तो पक्का 90 है, ठीक है। चलो जी, तो ये वाली बात हमें पता लग गई कि ये एंगल 90 है, तो जब ये 90 है तो ये बचा हुआ पूरा 90 होगा, क्यों, लीनियर पेयर है यार, ये 90 तभी तो 180 बनेगा, इधर वाला 90 इधर वाला पूरा 90, इसका मतलब मुझे यहाँ से पता लग गया ये ए और बी मिलकर 90 है, ये एक इक्वेशन हमारे काम की है। अब आगे चलो, दे रखा है ए रेशियो बी 2:3 है, क्या दे रखा है ये, ए रेशियो बी, ये दे रखा है 2:3, तो इसको 2x मान लो, इसको 3x मान लो, ठीक है, दोनों का सम हो गया 5x, a प्लस बी कर दूँ तो, और आपको पता है a प्लस बी की वैल्यू 90 दे रखी है, ये तो आप वैसे भी कर सकते थे कि देखो 2:3 है, 2x है, 3x है, यहाँ लिख लो चाहे तो डायग्राम में, डायग्राम लिखो तो और मस्त है, 2x प्लस 3x 5x, 5x मिलके 90 बन रहा है, 5x 90 है तो x की वैल्यू 18 हो गई, 5 से डिवाइड कर दिया तो ये हो गया आपका 5x इक्वल टू 90 और x हो गया आपका 18 डिग्री। जब x 18 है तो 18 टू जा 36 तो ये हो गया भाई, 2x है ना ये, और 18 3 जा 54 ये हो गया, और आपको निकालना है एंगल C, ये वाला एंगल। तो ध्यान से देखो एक चीज़ पे, ये एक लीनियर पेयर है कि नहीं है, बिल्कुल लीनियर पेयर, एक लाइन है, तो जब B और C को ऐड करोगे तो 180 आएगा, और B की वैल्यू अभी अभी आपने निकाली क्या, 54, तो 54 प्लस C इक्वल टू 180, और C की वैल्यू उधर चली जाएगी 60 सब्ट्रैक्ट करो 120, 4 रुपये दे दो वापस यार, ठीक है, क्योंकि सॉरी 6 रुपये वापस दे दो, तो आ जाएगा आंसर 126। तो भाई एक बात और थी इसके अंदर, इसमें भी आपका ऑप्शन गलत लिखे हुए थे, 126 इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो इस तरह से आप लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। एक तरीका और इसको सोल्व करने का, कौन सा तरीका इसको सोल्व करने का, चलो बता देते हैं आपको, वो चीज़ भी आनी चाहिए। एक लाइन ऐसे जा रही है, एक लाइन ऐसे जा रही है, ये 90 डिग्री बन रहा है, ओके भाई बहुत शानदार, ठीक है। अब ज़रा इस सी एंगल पे ध्यान दो, ये सी एंगल क्या है,
ये एक्चुअल में अगर इस लाइन को हटा दूं तो सी एंगल इसके इक्वल होगा क्योंकि वर्टिकली अपोजिट है इसका। और ये क्या है आपका एक्चुअल में, ये है ए प्लस 90। तो आप ए एंगल निकाल के 90 ऐड कर दोगे तब भी सी के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, कोई भी कंसेप्ट लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब कौन सा क्वेश्चन अनबॉक्स करना है भाई? चलो यही दिख रहा है, इसी को हटा लेते हैं। आपको इसमें एक्स की वैल्यू निकालनी है भाई, ये लीनियर पेयर है। तो 6x प्लस 30 प्लस 4x इक्वल टू 180। 6x प्लस 4x 10x बना, 10x प्लस 30 इक्वल टू बन गया आपका 180। यहाँ से 30 उधर जाएगा तो 150 बचेगा, तो 10x इक्वल टू 150 और x इक्वल टू 0 0 कट गया, लो जी 10 डिवाइड में जाके। ठीक है, तो x हो गया 15 डिग्री, करेक्ट है। चलो जी, ये आपका क्वेश्चन हो गया। मेंटली भी सॉल्व कर सकते थे आप इस चीज़ को। ये वाला क्वेश्चन करना है कर लो जी, हमें पता है लीनियर पेयर है। 4x प्लस 2x मतलब 6x, 6x की वैल्यू 180 के इक्वल है, तो x की वैल्यू होगी 6 डिवाइड में जाएगा तो 30 डिग्री ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, लो जी अनबॉक्सिंग चल रही है मस्त तरीके से। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। हमें बोला है कि ए ओ सी प्लस बी ओ डी 75 है। दिस ए ओ सी और दिस बी ओ डी ये मिलके 75 है, तो आपको ये वाला बताना है। तो हमें पता है कि इन तीनों का सम तो 180 होने वाला है, तो मैंने लिखा एंगल ए ओ सी दिस एंगल प्लस एंगल सी ओ डी प्लस एंगल बी ओ डी। लिखने के लिए बता रहा हूँ आप लोगों को, मेंटली कर सकते हैं कैसे कि भाई जब दोनों मिलके 75 हैं और तीन लोगों को मिलके 180 मिलने वाला है। समझ रहे ध्यान से कि आपके पास तीन लोग आए, बोले हमें मिला के 180 रुपीज़ दे दो। बोला ठीक है, इन दोनों ने बोला हमें तो 75 देना मिला के, तो क्या बचा इसके लिए? 105 बचा कि नहीं बचा, क्योंकि तीनों मिला के 180 देना है। ये दो तो बेचारे 75 में मान गए, तो इसको पूरा मिला हुआ बचा हुआ 105। और पूरा मेथड ये है आपका कि तीनों का सम 180 है, इसमें इसकी और इसकी वैल्यू का सम करने पर 75 आ गया, तो बच गया ये वाला बच्चा, और इस बच्चे को कितना मिल जाएगा 75 सबट्रैक्ट करके 105। ठीक है जी, अब उसकी भी अनबॉक्सिंग कर दें। चलो उसको मेंटली सॉल्व कर लेते हैं भाई। वो लीनियर पेयर बन रहा है नहीं बन रहा है ऊपर? बिल्कुल बन रहा है लीनियर पेयर। तो लीनियर पेयर बन गया, तो 5 और 3 8 और 2 10, 10y इक्वल टू 180। 0 0 कट गया, कैसे कटा 0? 10 डिवाइड में गया है वो, इसलिए कट हुआ। तो y की वैल्यू होगी आपकी 18 डिग्री। ठीक है, अब इस क्वेश्चन पे आ जाओ, फर्स्ट क्वेश्चन पे। इसकी अनबॉक्सिंग कर देते हैं अच्छे से। हमें बोला गया कि ए ओ सी प्लस बी ओ ई 70 है। दिस ए ओ सी प्लस बी ओ ई 70 है। एंगल बी ओ डी 40 है। दिस एंगल इज 40। आजकल क्या है, नया चल रहा है भाई, आजकल के नए नए कैमरे आ रहे हैं ना फ़ोन के अंदर, तो आप किसी पार्ट पे फोकस कर सकते हो, किसी को ब्लर कर सकते हो। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको ब्लर कर दिया। ठीक है, जैसे ही मैंने इसको ब्लर किया, मुझे नजर आया अच्छा ये तो वर्टिकली अपोजिट है। तो जैसे ही आपको पता लगा वर्टिकली अपोजिट, तो आपने तुरंत यहाँ चिपका दिया ये भी 40 होगा। और फिर मैंने वापस से उसको क्या कर दिया, जो ब्लर किया था उसको वापस से सही कर दिया। ठीक है, आगे चलो। फिर क्या बोला है, ए ओ सी प्लस बी ओ ई दिस 40, ए ओ सी प्लस बी ओ ई ये वाला मिलकर 70। अरे भाई ये 40 था और इन दोनों का सम 70, तो ऑटोमेटिकली 30 बचा कि नहीं बचा? देख लो सम 70 आ रहा है और आपसे यही पूछा है बी ओ ई, तो क्या हो गया आपका 30 डिग्री। आई होप मज़ा आया होगा, जो भी है कमेंट में बताना। और इस रैंडमली मैं क्या कर रहा हूँ, चैप्टर बदल बदल के, ताकि आपको हर चैप्टर कंसेप्ट मिल जाए। तो नेक्स्ट चैप्टर कौन सा चालू करना है, किस चैप्टर की आपको वर्कशीट पहले चाहिए, वो मुझे बताना, आज ही कमेंट करके बताना, ताकि मैं कल के लिए प्लानिंग करके उसको डाल दूँ।